राम राम जी दोस्तों, राम रथ यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका फिर से एक बार। और हम जा रहे हैं आज जयपुर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर गढ़ गणेश, जो पहाड़ी के ऊपर है। जयपुर में चार गढ़ है, एक शिवगढ़ है, एक सूर्यगढ़ है, एक नाहरगढ़ है और एक गणेशगढ़ है, जिसको गढ़ गणेश के नाम से जाना जाता है। तो आज हम जा रहे हैं गढ़ गणेश। दोस्तों, गढ़ गणेश आने के लिए आपको अगर सिंधी कैंप बस स्टैंड से आते हो या रेलवे स्टेशन से आते हो तो दोनों का मार्ग एक ही है। वहाँ से आने के लिए आपको पहले बड़ी चौपड़ आना पड़ेगा और बड़ी चौपड़ से गढ़ गणेश के लिए ऑटो लगते हैं। वहाँ से आपका मात्र 10 रुपये किराया है, वहाँ से आप आ सकते हो गढ़ गणेश के लिए। और अब हम खड़े हैं गढ़ गणेश में पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, गढ़ गणेश के जस्ट नीचे। तो चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको गढ़ गणेश, बने रहे व्लॉग में। गढ़ गणेश के लिए जहाँ से सीढ़ियाँ प्रारंभ होती है, और यहाँ की सीढ़ियाँ थोड़ी खड़ी है, चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है, सीढ़ियाँ खड़ी, पहाड़ी थोड़ी ऊंची होने के कारण सीढ़ियाँ भी खड़ी बनाई गई है, और खड़ी सीढ़ियों से आपको चढ़ना पड़ेगा इसके ऊपर। और प्रारंभ होने से पहले हमको हो जाते हैं दर्शन भगवान गणेश की, श्री गणेशाय नमः। जय गणेश, जय गणेश। दोस्तों, गढ़ गणेश के अंदर चढ़ाई करने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, 365 सीढ़ियाँ बताई गई है। और ऐसा कहा जाता है कि रोज़ साल में हर दिन एक नई सीढ़ी का निर्माण किया जाता था, और 365 दिन में 365 सीढ़ियों का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज थोड़ी सर्दी ज़्यादा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हमने अभी कंबल को उतारा नहीं है, कंबल गले में ही डाल रखा है। दो तीन दिन से थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी, तो कंबल गले में लगा रखा है हमने। दोस्तों, जो ये गढ़ गणेश मंदिर है, उसका निर्माण जब यहाँ के राजा सवाई जय सिंह जी ने जयपुर बसाया था, उसी के साथ गढ़ गणेश मंदिर का निर्माण करवाया। और गढ़ गणेश मंदिर का निर्माण करवाने के लिए सवाई जय सिंह जी ने गुजरात के पंडितों को बुलाया यहाँ, और भगवान गणेश के मंदिर की स्थापना करवाई। नमस्कार भैया। नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से आए हो? हम संगानेर से आए हैं। संगानेर से आए हो? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? धर्मराज। धर्मराज, अच्छा, तो आप फैमिली के साथ ही आए हो? हाँ, ये मेरी सिस्टर है और वो मेरे भांजे भांजी है। अच्छा, समझ। वो तो बहुत आगे बात। कैसा लग रहा है यहाँ के? यहाँ के फर्स्ट टाइम आया। अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आया हूँ। मेहनत ज्यादा हो रही है, चढ़ाई के हिसाब से मेहनत तो होगी। दोस्तों, ये जो गढ़ गणेश मंदिर है, यह मंदिर, इसमें गणेश जी की प्रतिमा है वो बिना सूंड वाली बताई जाती है। मैंने भी थोड़ा सा चलने से पहले थोड़ा सर्च करके देखा था इसके बारे में, मंदिर के बारे में, तो ये राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जो बिना सूंड वाले गणेश जी का मंदिर है। अभी यहाँ चलकर किसी से जानकारी लेंगे इस मंदिर का नाम गढ़ गणेश कैसे पड़ा, उसके बारे में भी अब थोड़ी जानकारी लेंगे। चलते हैं आगे, बने रहे वीडियो में। यह है दोस्तों, जो सामने दिख रहा आपको, ये मंदिर का फ्रंट है, और ये सिटी से बहुत ही अच्छा दिखता है, नीचे से, पहाड़ी के नीचे से बहुत ही अच्छा दिखता है सिटी के अंदर से।
और सामने बना हुआ स्वास्तिक। स्वास्तिक जो हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, यह प्राचीन काल से ही हमारे इसका महत्व माना गया है। प्राचीन शिलालेखों पर भी इनका गुदा हुआ मिला है। और हमारे कोई कार्यक्रम होता है, जैसे जन्म उत्सव होता है, किसी के घर में बच्चा बच्ची जन्म लेते हैं, तब सभी के द्वार में खुशियों के रूप में स्वास्तिक के जो निशान होते हैं वैसे पेपर द्वारों पे लगाए जाते हैं, और यहाँ मंदिर पे भी आज लगे हुए मिले हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, ये रात को जब लाइटिंग होती है, ये लाइटें हैं जो इस स्वास्तिक पे पड़ती है, और रात को बहुत अच्छा चमकता है, सिटी से बहुत अच्छा दिखता है। ये मंदिर का सिटी से दिखने वाला फ्रंट है। और दोस्तों, अब हम आ गए हैं, ये है गढ़ गणेश मंदिर। ये गढ़ गणेश मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, ये मुख्य मंदिर आ गया है। चलते हैं आगे। ये नीचे धर्मशाला बनी हुई है। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं मंदिर परिसर में, और मंदिर परिसर में फोटो वीडियो अलाउ नहीं है, तो आपको मैं मंदिर में तो मोबाइल अलाउ है नहीं, तो मैं आपको अंदर से तो दिखा नहीं सकता हूँ, मैं बाहर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी। ये देखो, ये मंदिर का परिसर है, और ये दूसरी मंजिल है, उसके ऊपर बना हुआ है। नीचे है उसमें धर्मशाला वगैरह, जिसे धर्मशाला बोलते हैं, उसमें आराम कर सकते हैं, वो बनी हुई है। और ये सामने का बाहर का पॉइंट है, बाहर का सिटी पॉइंट जो आप देख सकते हो सिटी यहाँ से। और अब हम जानकारी लेते हैं यहाँ पर किसी भाई से, कि मंदिर के बारे में। नमस्कार भैया। हाँ जी भैया, बोलिए। नमस्कार। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? जगदीश अग्रवाल। जगदीश अग्रवाल, हाँ। तो ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर 500 साल पुराना है। 500 साल पुराना है, हाँ। तो आप कितने दिन से लगा रहे हो? ये हमारी शॉप 40 साल से। 40 साल से, हाँ। तो ऐसा इसको, ये गणेश मंदिर, इसको गढ़ गणेश क्यों कहा? इसलिए कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह जी ने बनाया था जयपुर स्थापना करने से पहले, जयपुर बसाने से पहले। अच्छा, जयपुर की स्थापना हुई थी? जयपुर बसाया गया था उससे पहले। अच्छा। इस मंदिर की स्थापना हुई थी। अच्छा, इसलिए इसको, इसको गढ़ गणेश कहा जाता है, गढ़ बसाने से पहले जो गणेश जी बैठाएगा। अच्छा, और ये वर्ल्ड में एक ही मंदिर है बिना सूंड के गणेश जी का, मात्र 17 दिन के गणेश जी है। तो इसमें गणेश जी की छोटी उम्र की जो, हाँ, जो बाल रूप गणेश जी थे जो गौरी मैया ने बनाई थी, शीश कटने से पहले के गणेश जी है। 17 दिन की बाल अवस्था की फोटो इसमें, इसलिए बनाती है। तो आपको ये परमिशन है यहाँ के मंदिर की, परमिशन है या सभी? ये हमारे इनके दादाजी के जमाने से लगी आ रही है दुकान। अच्छा, उस समय कुछ भी नहीं था, यहाँ पूरा पहाड़ी था, ये सीढ़ियाँ भी पहाड़ की तरह चढ़ने जाते। ये सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई है पहले ही? बनी, ये पहले की बनी हुई है। 365 सीढ़ियाँ, रोज की एक सीढ़ी बनती थी, एक साल में बन के तैयार होती। अच्छा, धन्यवाद। और दोस्तों, आप अगर नीचे से प्रसाद वगैरह नहीं लाते हो तो ऊपर भी प्रसाद की व्यवस्था है। यहाँ पर एक भैया प्रसाद बना रहे हैं, इनसे जानकारी लेते हैं क्या है। ये देखो दोस्तों, ये भैया प्रसाद बना रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? रवि। तो ये लड्डू काहे के बनते हैं? ये बेसन के भैया। अच्छा, हम जब नीचे से चूरा लाते हैं यहाँ लाके बनाते हैं। अच्छा, नीचे से चूरा तैयार करके लाते हैं, उसके बाद यहाँ। तो इसमें तेल यूज करते हो या घी? घी डलता है इसमें, देसी घी यूज करते हो। अच्छा, ये इन लड्डुओं क्या बोलते हैं? ये मुखार भी नहीं, ये मोदक है। इनको मोदक बोलते हैं? हाँ। ये मोदक लड्डू है। अच्छा, जो ये भगवान के प्रसाद चढ़ाते हैं, हाँ, यहीं से लेते हैं। हाँ। तो दोस्तों, ये देखो यहाँ पर मोदक तैयार हो रहे हैं, इनको मोदक बोलते हैं, और इनको मुखारबिन, ये लड्डुओं के नाम है। देखो कैसी डिजाइन लिस्ट किए गए इनको, डिजाइनिंग देखो लड्डुओं की। ये भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ से आप खरीद सकते हो। चेक करके देखो भैया, देखते हैं दोस्तों यहाँ का लड्डू का स्वाद, भगवान का प्रसाद है। अच्छा भैया,
इसकी सिकाई करके बनाते हो ना? सिकाई एक नंबर है, एक नंबर सिकाई इसकी। बहुत अच्छा आपसे मिलकर, धन्यवाद भैया आपको। हेलो, हाउ आर यू? गुड थैंक्स। वेयर आर यू फ्रॉम? वी आर फ्रॉम टनबाक। टनबाक? टनबाक, टनबाक स्कैंडिनेविया। अच्छा, यूरोप। How many days in India? Now 1 week, we stay 1 week more. 1 week more? 1 week. Yeah. Your name? Kim. Sorin. Sorin. You see Jaipur? Jaipur. And? So we stay, after we go Amritsar. Then we go, what's the name? Simla. 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 Then we go back to Delhi. So. We go to India and Pakistan border to see show. What are you experience in India? Our experience? Yes. Agra, Taj Mahal. Yes. Ranthambore. Yes. Tiger Safari. And Jaipur, Amber Fort. Thank you so much. Yeah, thank you too. This is my YouTube channel. Okay. Ram Rat. Ram Rat. Ram Rat. Okay. Remember. Okay, good. Good. Bye bye. See you. Like for Amrat. Yes, for Amrat. और दोस्तों, गढ़ गणेश मंदिर के नीचे एक छोटा सा मंदिर और बना हुआ है, जो एक नवीन मंदिर है, नया मंदिर है, भैरवेश्वर महादेव मंदिर है। ये भी महंत गढ़ गणेश है, उनके अधीन है। ये इधर ये हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है ये सामने दोस्तों, और ये है शंकर भगवान का मंदिर। बिल्कुल शांत जगह में, बहुत ही अच्छा। जय हो शंकर भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। बहुत ही अच्छा मंदिर है दोस्तों, ये भी अभी नवीन मंदिर है, पर एक बिल्कुल शांत वातावरण, बिल्कुल शांत। दोस्तों, आप कभी भी गढ़ गणेश मंदिर के दर्शन करने आए, भगवान गणेश के दर्शन करने आए, तो समय का ध्यान रखें। और यहाँ का समय है जो सुबह 4 बजे मंदिर ओपन होने के बाद में 12 बजे बंद हो जाता है, और फिर शाम को 4 बजे खुलता है। इससे पहले 12 से 4 तक बंद रहते हैं मंदिर के द्वार, तो आपको दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसलिए समय का ध्यान रखें और समय से ही मंदिर में आए। मैंने आपको गणेश जी का मंदिर दिखाया, कैसा लगा दोस्तों आपको, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम चल रहे हैं नीचे। दोस्तों, जो नीचे आपको दिख रही है, ये है गेटोर की छतरियाँ, जो जयपुर में जितने भी राजाओं ने शासन किया है, जय सिंह जी के परिवार ने, उनकी सभी राजाओं की यहाँ छतरियाँ बनी हुई हैं। दोस्तों, गेटोर की छतरियाँ आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। और हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।